पहल शुरुआत की। इसके डायरेक्टर राजस्थान पत्रिका श्री सौरभ भंडारी जी, स्टेट हेड अमित वाजपेयी जी, प्रेसिडेंट सेल्स एवं मार्केटिंग नॉर्थ जोन अल्ट्राटेक राजू जी, प्रेसिडेंट मार्केटिंग हेड अल्ट्राटेक सीमेंट अजय जी, वाइस प्रेसिडेंट हेड सेल्स अरविंद जी, विजय टाक जी, चंदन कुमार जी, कनु प्रिया जी डिडवानिया एवं इस कार्यक्रम में आए मेरे सभी सरपंच महानुभाव और जिनको आज 20 सरपंचों को प्रशंसित पत्र दिया गया है, ऐसे उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं और उनको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, एक अच्छी पहल राजस्थान पत्रिका ने की है और आपको ध्यान होगा पहले भी राजस्थान पत्रिका एक कॉलम आता था और हर गांव का व्यक्ति उस कॉलम को पढ़ता था, आओ गांव चले, और आओ गांव चले में जब आता था तो गांव की वो गलियां, गांव के वो हाल, गांव का किस तरह से स्थिति है, गांव कब इसमें बसा है, गांव की प्रगति क्या हुई है, वो सारी बातें उसमें आती थी। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यह सत्य है, हमारे देश का, हमारे प्रदेश का अगर विकास का आंकलन किया जाए तो मेरे गांव के द्वारा होता है, क्योंकि अगर गांव विकसित होगा तो मेरा प्रदेश भी विकसित होगा, हमारा देश भी विकसित होगा। मुझे पता है कि गांव में सरपंच किस तरह से काम करते हैं, गांव में कई तरह की समस्याएं होती हैं, और मैं थोड़ा सा आपको कहना चाहता हूं, आज जो स्थिति आप पूरे देश में या प्रदेश में देख रहे हैं, और वो स्थिति इसलिए है कि गांव से लोग निकल करके शहर की तरफ आ रहे हैं, गांव और शहर में थोड़ी दूरियां हो गई, हर गांव का व्यक्ति चाहता है कि मेरा शहर में भी मकान हो, मैं शहर में भी वो जाना चाहता है, लेकिन पहलू यह है कि इसमें कौन सी ऐसी बात है जो गांव का व्यक्ति शहर आना चाहता है। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि गांव का विकास होगा तो निश्चित रूप से हमारा देश समृद्ध होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे अगर मेरे गांव का विकास होगा तो मेरे देश का विकास होगा, और उसी अवधारणा पर देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गांव के लिए योजना लाए थे, क्योंकि गांव के लिए योजना लाए उन्होंने, हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया, क्यों कि जब तक गांव के अंदर शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी ठीक प्रकार से नहीं होगा तो गांव से पलायन होगा। उस अवधारणा पर उन्होंने एक एक गांव को सड़क से जोड़ा, और इसमें भी ये नहीं, क्योंकि सरकारें होती हैं, तेरे मेरे का काम करती हैं, और जो लंबे समय से सरकार रही है उसने तेरे मेरे का काम किया है, इसलिए गांव और शहर की दूरी भी बढ़ी है, लेकिन उन्होंने एक पूरा नियम बना करके उन्होंने कहा कि जो सबसे ज्यादा 2000 के ऊपर की आबादी वाला गांव होगा उसको पहले फेस में जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर 1000 की आबादी वाला गांव होगा तो उसको दूसरे फेस में जोड़ा जाएगा, अगर 500 की आबादी वाला होगा उसको तीसरे फेस में जोड़ा जाएगा, और लास्ट में थोड़ी जनसंख्या वाला होगा तो उसको चौथे फेस में जोड़ा जाएगा। आज मैं कह सकता हूं कि आज मेरे गांव को जो जोड़ा है वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजनाओं ने जोड़ा है, आज मेरे हर गांव तक सड़क है। यही था, क्योंकि गांव में शिक्षा, चिकित्सा का अभाव, बिजली नहीं होना, और ये सबसे बड़ी बात जो हुई वो ये कि जैसे ही देश में आजादी के बाद सरकार बनी, उन्होंने बड़े बड़े उद्योगों की कल्पना की, पाश्चात्य संस्कृति को लेकर कल्पना की, मेरे गांव के, मेरे उस क्षेत्र के जो अपने
लोकल थे संसाधन, कुटीर उद्योग थे, उन कुटीर उद्योगों की तरफ ध्यान नहीं दिया और बड़े बड़े उद्योग लगा दिए, जिससे उन कुटीर उद्योगों की स्थिति खराब होती चली गई। आज मेरे गांव में, पहले जब गांव का व्यक्ति देखता था, उसका व्यक्ति लोहे का काम होता था, लोहार करते थे, मनियार चूड़ी बनाते थे, सारे काम जो होते थे हमारे गांव में होते थे, शादी ब्याह भी गांव में होते थे और गांव का विकास भी होता था, उनको लोकल खरीदते थे तो उनको उसका फायदा भी मिलता था। लेकिन कुटीर उद्योग जो हमारे बढ़ने चाहिए, आज हम स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं लोकल फॉर वोकल, हम लोकल को अगर आगे प्रमोट करेंगे तो हमारे गांव के उस व्यक्ति को उसका फायदा मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, गांव के सभी सरपंच यहां विराजमान हैं, मित्रों मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आपको मौका मिला है, आपको यह मौका ऐसे नहीं मिला, आपको मौका दिया है गांव के सरपंच बनने का। गांव के सरपंच बनकर के वो सेवा आप कर सकते हैं, वो सेवा आप गांव में रह करके कर सकते हैं। गांव की छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होती है। मुझे ध्यान आता है, आज भी जब मैं गांव जाता हूं, मेरे गांव की बूढ़ी दादी मेरे से कहती है कि भैया मेरी पेंशन, वो गांव की दादी कहती है कि भैया आपने जो मकान आवास का बनवाया वो मकान है, उस मकान को थोड़ा और बड़ा बनवा दीजिए। आज भी अगर जाते हैं तो उसके उस राशन की बात वो करती हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आप सभी अच्छे पद पे हो, और सरपंच सबसे छोटी इकाई होती है मेरे गांव की, लेकिन सबसे मजबूत इकाई होती है। केंद्र और राज्य से जाने वाली योजना वो सरपंच तक पहुंचेगी, और वो सरपंच तक पहुंचेगी, सरपंच ठीक प्रकार से अगर उसको करना चाहेगा तो गांव के उस मेरी भाई को, मेरे बूढ़ी माँ को, मेरे उस भाई को उस योजना का लाभ मिलेगा। मैंने देखा, मैं सरपंच रहा था, मेरे से कई लोग कहते थे वो जब गर्मियों के अंदर नरेगा का काम चलता था, तो नरेगा का काम चलता था तो मेरे से कहते थे कि आपके यहाँ काम क्यों चल रहा है। मैंने कहा आपने प्रस्ताव भेजे थे क्या पहले, क्योंकि समय से अगर सरपंच काम करेगा, हर उसका प्रस्ताव आता है, उस प्रस्ताव को लेगा, हमारी उस आम सभा में प्रस्ताव लेगा कौन से काम हमारे होने। कभी कभी क्या होता है, काम लिख देते हैं हम, उनका समय पर प्रस्ताव सरकार को नहीं भेज पाते हैं, हमारे काम पीछे हो जाते हैं। जो सरपंच थोड़े से होशियार होते हैं, जिनके मन में काम करने की इच्छा होती है, उन प्रस्तावों को भेज देते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, मेरे जब मैं सरपंच था तो मेरे को एक परेशानी आई, मेरे से आके माता बहनों ने, बुजुर्ग थी, उन्होंने कहा था कि सरपंच साहब हमारी आंख बननी चाहिए, हमें आंखों का कैंप लगाना चाहिए। मैंने कहा कैंप कैसे लगा सकते हैं। मैंने मेरे सेक्रेटरी को, मैं गया मेरे वीडियो को कहा, मैंने कहा मुझे आंखों का कैंप लगाना है, बोले ग्राम पंचायत कैंप नहीं लगा सकती। मैंने ग्राम पंचायत स्वशासित संस्था है, आप कहते हो ग्राम पंचायत कुछ भी कर सकती है तो कैंप क्यों नहीं लगा सकती। मैं उनके पास गया, वहां से मैंने पत्र लिखा, कलेक्टर के पास गया, कलेक्टर के पास से मैंने पंचायत राज को लेटर लिखा, पंचायत राज ने मेरे को लेटर लिखा कि ग्राम पंचायत कोई भी अपनी निजी आय के आधार पर कोई भी काम कर सकती है। मैंने कैंप लगाया, 500 लोगों की मैंने आंखें बनाने का कैंप लगाया, सरकार ने मेरी उसमें मदद की, तो एक अच्छा काम, अच्छी पहल मैंने की। मैं 15 दिन के अंदर एक मेडिकल का कैंप लगाता था, उस मेडिकल के कैंप में, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दवाई से ठीक होती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो विश्वास से ठीक होती हैं। अगर मेरे गांव का वो भाई, वो बुजुर्ग, वो माता, अगर उसको खांसी आप लाल दवाई की आपने अगर उसको शीशी दे दी, तो वो जाकर के उस दवा को लेंगे, अगले दिन अगर आप पूछोगे माताजी कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ, तो वो कहेंगे बेटा फायदा हुआ है, फायदा हुआ है। तो उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से और फायदा भी होता है। हम छोटी छोटी बातों को लेकर के, जैसा कि महीना आता है मार्च अप्रैल का, खुजली की शिकायत आती है गांव में, एक क्योंकि गर्मी आती है और सर्दी निकलती है तो उस समय खुजली होती है, हाथ पैरों में दिक्कत आती है, उस समय एक अगर कैंप लगा दोगे तो आप देखोगे 60% 50% मरीज आते हैं, उनकी सेवा करने का मौका मिलता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, चुनौती बहुत होती है गांव में, मेरा तेरा बहुत होता है,
आपको उससे निकलना होगा। गांव में अगर अतिक्रमण होता है, सरपंच सोचता है मैं क्यों बुरा बनूं, बुरा तो आपको बनना पड़ेगा, बुरा आपको बनना पड़ेगा, अच्छे आप बनोगे तो बुरा कौन बनेगा। मुझे पता है, मैं देखता हूं रास्ता चौड़ा करने के लिए जाते हैं, बड़े एक का मकान होता है, एक का चबूतरा होता है, वो चबूतरा की तुलना मकान से करने लग जाते हैं, ये भी हम जानते हैं। लेकिन इन सारी चीजों को भी हम देखते हुए, क्योंकि हम जब सरपंच हैं तो हमका दायित्व है हमारा कि हमारे उस गांव की छोटी मोटी समस्या होती है उनका समाधान करें। मेरे गांव में क्या हो सकता है ये आपकी कल्पना के आधार पर होगा, आपने कल्पना क्या की है, आप क्या करना चाहते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, सरपंच अगर एक थोड़ी सी कल्पना करे, कोई भी गांव में ऐसा काम नहीं है जिसको ग्राम पंचायत नहीं कर सकती, सारे काम ग्राम पंचायत कर सकती है। आप जुड़े हुए हैं, हमारा ये पंचायत राज बहुत बड़ा है, इसमें आप देख रहे हैं 11,341 के लगभग हमारी यहाँ पंचायतें हैं, 33 हमारी जिला परिषद है, लगभग 350 के लगभग हमारी पंचायत समितियां हैं, 1,00,000 से ऊपर हमारे वार्ड पंच बैठेंगे। अगर हम सदस्यों की बात करें तो 1,400-1,500 के लगभग हमारे जिला परिषद के सदस्य होंगे, अगर हम उनकी बात करें पंचायत समिति के तो लगभग 6,000 के लगभग हमारे पंचायत समिति के सदस्य होंगे। अगर इनको हम मिलाएं तो पंचायत राज की संख्या लगभग 1,50,000 के लगभग हमारी पहुंचती है, और हम उसके माध्यम से हम काम करने में कितने हम सफल होते हैं ये खुद पर निर्भर करता है। एक मैं आपसे कहना चाहता हूं, ग्राम पंचायत का एक पैरा आता है और उस पैरा में होता है आपकी निजी आय कितनी है, और वो आप देखते होंगे सभी सरपंच हैं, हम थे तो जब आता था पैरा आपकी निजी आय नहीं है, उसमें पैरा ऑडिट में आता था। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं आने वाले समय में, क्योंकि आप निजी आय अगर आपके पास है और निजी आय के स्रोत हमें बनाना आवश्यक है, हमारे सरपंचों के मन में एक भाव आ जाता है, और वो भाव ये आ जाता है कि निजी काम में निजी आय में बढ़ा के जाऊं और आने वाला दूसरा सरपंच उसका लाभ ले। देखिए मैं एक कहना चाहता हूं, कोई सरपंच का लाभ नहीं, वो मेरी पंचायत का लाभ है, वो मेरे गांव का लाभ है, इसे उसे बढ़ाने की जरूर पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमारी जो केंद्र की और राज्य की जो FFC की और SSC की जो किस्तें आती हैं, मुझे पता, मैंने देखा था पिछले दिनों 22-23 की नहीं गई है, लेकिन मैं यह आपको कहना चाहता हूं 23-24 की जल्दी आने वाली है, यह आप निश्चिंत रहिए। केंद्र की मेरी जो केंद्र की हमारी FFC की हैं वो आपके पास पूरी तरह से समय से आ रही हैं, राज्य सरकार की 2019-20 से लेकर के लगातार लेट हो रही हैं, मैंने आगे देखा है, सरपंच साहब हमारे खुश हो रहे हैं, आने वाले समय में निश्चित रूप से वो भी आएगी। और मैं एक बात और कहता हूँ, पीछे की भी रह रही है वो भी जल्दी आ जाएगी, आप चिंता मत करिए, क्योंकि मुझे पता है सरपंचों को काम करने का एक बोई होता है और वो हमारी जनसंख्या के आधार पर आती है, और जनसंख्या के आधार पर आती है तो हमारी पंचायत के जो इस तरह के काम होते हैं, जो आवश्यक होते हैं, उन कामों को भी हम कर सकते हैं। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान पत्रिका की पहल पर एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित हुआ है, निश्चित रूप से पुनः मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पत्रिका को, और अल्ट्राटेक उसमें सहयोगी बना उनके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं एक ही बात आप सबसे कहना चाहता हूं, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति अगर मजबूत है, सरपंच अगर थोड़ा सा ऊपर उठ करके काम करे और चिंता नहीं करे, मैं आपसे कहना चाहता हूं जो अच्छा काम करेगा उस सरपंच को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए कहता हूं कि आप दृढ़ इच्छा मजबूत करके गांव में जो चलता है उसको चलने दें, उससे ऊपर उठ करके। मैं कहता हूं आपसे, 3 लोग 4 लोग 5 लोग सरपंच का चुनाव लड़ते हैं, कभी कभी आपके मन में आता है कि साहब वहां काम करा दिया, लोग भी आएंगे आपसे कहते हैं साहब वहां काम करा दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं सबसे पहले काम उसके यहां कराना है जो आपके सामने चुनाव लड़ा है, ये दिमाग में से निकालना है। हमें उस पंचायत के सरपंच हैं, आपको कोई ये तो नहीं कहता कि आपको इतने वोट मिले आप आधी पंचायत के सरपंच हैं। आज मैं कह सकता हूं मेरे को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया है, मैं आपसे कहना चाहता हूं मैं 8 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री हूं, 8 करोड़ जनता का। इसलिए मेरे से सभी की अपेक्षाएं, और मैंने आपने देखा होगा बजट के अंदर
मैंने एक भी ऐसी विधानसभा नहीं होगी जिसमें बजट के लिए मैंने काम नहीं किया होगा और उसको बजट नहीं दिया होगा। जहां आवश्यकता है वहां मैंने पूरी तरह से बजट देने का काम किया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी तरह का नहीं होना चाहिए। हमें हमारे गांव का विकास करना है, हमारी पंचायत का विकास करना है, हमें अपने राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना है, हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम आप निश्चिंत होकर काम करेंगे। कभी कभी हमारा सरपंच अतिक्रमण को लेकर और कई विषय होते हैं, थोड़ा सा प्रेशर महसूस करते हैं, करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी वो दृढ़ इच्छा शक्ति आगे काम करेगी, आपके नेचर को पहचानेगी, क्योंकि आदत हो जाती है, जैसा आप करोगे वैसी आदत लोगों की भी हो जाती है। एक मैं बताता हूं आपको क्या हुआ कि छोटी सी कहानी है। कोई अच्छे थे, बढ़िया थे, हमारे जैसे अल्ट्राटेक वाले अच्छे, बढ़िया, ठीक काम दाम चल रहा था उनका। तो किसी कारण से कमी आ गई तो वो किसी के पास जाते, कभी हनुमान जी के मंदिर जाते, तो कभी देवी जी के मंदिर जाते, तो कभी ठाकुर जी के मंदिर जाते, तो कभी गणेश जी के मंदिर जाते। जब उनको लगा कि कहीं है, तो कहीं किसी ने बताया कि आप उनके पास जाइए, तो किसी विद्वान आदमी अमित जी के पास चले गए। अमित जी से जाके कहा उन्होंने कि साहब मेरे को ये परेशानी है, ये समस्या है, बड़ी दिक्कत हो रही है, पहले तो ऐसा था, अब मैं ऐसा हूँ। उन्होंने अमित जी ने देख करके उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, 3-4 महीने की बात है। तो उसके मन में विश्वास आया कि 3-4 महीने बाद क्या होने वाला है। तो उन्होंने कहा साहब 3-4 महीने बाद क्या होने वाला है। उन्होंने कहा कि आपकी आदत में आ जाएगा। उन्होंने तो सोचा था कि 3-4 महीने बाद ऐसा बताने वाले हैं कि कुछ और होने वाला है, कहीं से आने वाला है, कुछ होने वाला है। उन्होंने कहा कि 3-4 महीने बाद ये जो हुआ है ये सब आपकी आदत में आ जाएगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करेंगे तो आपकी आदत में भी आएगा और हमारे गाँव का और हमारे क्षेत्र का विकास भी होगा। ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। आप सभी को जो चयन किया है और आपने जिस हिसाब से चयन किया है कि पहले 140 लोगों का चयन किया, आपने जिस तरह से क्लस्टर बना करके ये प्रक्रिया पूरी की है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा किया। और हमारी जो जूरी की मेंबर है उन्होंने भी अच्छा निकाल करके देख करके किया है। आप सभी को पुनः धन्यवाद, हमारे सभी सरपंचों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए।